हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मी चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा फुल डे मील प्लानिंग, किस किस तरह से और कब कब मैं खाना खाती हूँ और क्या खाती हूँ, जिसके लिए मेरा जो वेट है वो मेंटेन्ड है। और उसके साथ जो जस्ट एक दिन में एक बार मैं वॉक करती हूँ तब भी मैं अपना फिगर मेंटेन कर सकती हूँ, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक ठाक है और मेरा मेटाबॉलिज्म भी पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं जॉगिंग करके जब घर लौटती हूँ तो तब मैं एक कप ब्लैक टी लेती हूँ। इस टाइम में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि गर्म पानी कोई लेमन एंड हनी के साथ लेते हैं। मैं कभी कभार एप्पल साइडर विनेगर ले लेती हूँ, पर आजकल मैं वो नहीं ले रही हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा एसिडिटी फील हो रहा है। तो मैं ब्लैक टी लेती हूँ और ब्लैक टी का बहुत सारे फायदे है। पहली बात तो ये है कि गर्म पानी का जो कमी है वो भी आपका पूरा हो रहा है। दूसरी बात यह है कि ब्लैक टी अगर आप लेते हो तो पहले दिन रात को अगर कोई भी चीज आपने खाया हो जिससे आपको एसिडिटी फील हुआ है तो वो एसिडिटी भी कम्प्लीटली गायब हो जाता है। इसके लिए ब्लैक टी बहुत अच्छा है, आप दिन के किसी भी टाइम में इसे ले सकते हो। तो सुबह सुबह मैं ये ले लेती हूँ। और एनर्जी एनर्जी का तो मैं क्या बोलूँ, जब आप काम करना शुरू करेंगे दिन के शुरुआत में तो ब्लैक टी आपका एनर्जी बहुत एनहांस करते हैं। और उसके साथ साथ जब मैं 5 बजे जागती हूँ ना सुबह, तो मॉर्निंग वॉक के बाद थोड़ा सा मुझे नींद आ जाती है, लगता है कि थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ। और अगर रेस्ट लेने बैठी ना तो मैं एकदम सो ही जाऊंगी, तो उस टाइम में मेरे नींद को भी गायब करते हैं ये ब्लैक टी। तो उसके बाद मैं आराम से पूरे दिन का जो रूटीन है वो बैक टू बैक कर पाती हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं पोहा आज बना रही हूँ और पोहा में मैं आज पीनट के बदले में दे रही हूँ कैशू, क्योंकि कैशू का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगता है। और सिंपल सा अनियन पटाटो और थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स ग्रीन चिली, इसके साथ ही मैं पोहा बना रही हूँ। और आप देख सकते हो कि कितना कम ऑयल के साथ मैं बना रही हूँ, क्योंकि कम ऑयल के साथ भी पोहा बन जाता है। जो चीज नहीं बनता उसके लिए मैं थोड़ा ज्यादा ऑयल यूज करती हूँ, अदरवाइज कम ऑयल में भी हो जाता है और सबसे बेस्ट रहता है घी के साथ अगर बना सकते हैं तो। इस तरह से कभी कभार पोहा, कभी कभार बेसन के चीले ऐसे ही बना लेती हूँ। रोटी पराठे बहुत ही कम बनता है। और ब्रेकफास्ट के साथ हम लेते हैं दिन का जो पहला मिल्क टी है वो, क्योंकि मिल्क टी हमेशा फूड के बाद या तो फूड के साथ लेना चाहिए, तो एसिडिटी वगैरह नहीं होता। और इस चीज का हम दोनों को ही बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि हम दोनों का ही थोड़ा सा इस चीज का प्रॉब्लम है, पर इतना ज्यादा नहीं पर है, थोड़ा बहुत तो है। 1:30-2 तो बज ही जाता है हम लोगों का लंच करते हुए, तो इसलिए ब्रेकफास्ट के बाद ये जो लंबा एक स्ट्रेच है, तो इस टाइम में और एक कप चाय पीने का तो बहुत मन करता है, पर मैं उस टाइम में चाय को स्किप करके हॉर्लिक्स लेती हूँ, वोमेंस हॉर्लिक्स। और ये मैं आज से नहीं बहुत सालों से ले रही हूँ। इवन हॉर्लिक्स मुझे इतना पसंद है, जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तो पूरे प्रेगनेंसी पीरियड में मैंने मदर हॉर्लिक्स लिया था, तो अभी मैं वोमेन हॉर्लिक्स लेती हूँ क्योंकि वोमेंस हॉर्लिक्स का बहुत सारे फायदे हैं जो कि चाय में नहीं है। वो है ये बोन को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, बोन इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। और आफ्टर 30 जो वोमेंस को जरूरत भी है, हम लोगों को बहुत जरूरत है बोन इंटेंसिटी की, बिकॉज थोड़ा सा चलने पे ही घुटनों में दर्द या कमर में दर्द, कहीं पे अगर खड़े रहो कुछ टाइम तक तो कमर में दर्द होना शुरू हो जाते हैं। और स्पेशली मेरे लिए क्या होता है कि मैं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करती हूँ, मैं वॉक रन वगैरह करती हूँ, तो मेरे बोन की ऊपर मेरे जॉइंट में प्रेशर बहुत ज्यादा आता है। तो वोमेंस हॉर्लिक्स मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा है आज तक, और पहले भी आपने देखा होगा कि वोमेंस हॉर्लिक्स मैं बहुत ज्यादा प्रेफर करती हूँ। और ये जो है ये कैरामेल फ्लेवर का है, क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। अगर आप चाहे तो इसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो में टैग कर दूंगी, आप व्यू टैग में जाके इस प्रोडक्ट को परचेज भी कर सकते हैं। और चॉकलेट भी अगर आप चाहे तो ले सकते हैं, पर पर्सनली मुझे ये पसंद है। और इसे आप पानी के साथ या दूध के साथ, दोनों के साथ ही ले सकते हैं, पर जिस दिन मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा ज्यादा भूख लगा है तो उस दिन मैं दूध के साथ ले लेती हूँ, अदरवाइज इसे पानी के साथ लेती हूँ। तो क्या होता है, थोड़ा सा लाइट फील होता है, क्योंकि ये दूध के साथ लो तो ज्यादा हेवी हो जाता है। तो बस इसी तरह से मैं ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में हॉर्लिक्स लेती हूँ। तो अभी बजे 2:45 और अभी मैं लंच करने जा रही हूँ। और एक्चुअली 1:30-2 बजे के अंदर ही हम लंच कर लेते हैं। और लंच में आज है थोड़ा सा पोर्शन ऑफ राइस, एक कड़ी दाल एंड सैलड। तो मैं एक्चुअली नॉनवेज बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो डिनर और लंच में मैं थोड़ा सा अगर नॉनवेज हो तो ही मेरा चल जाता है एक्चुअली, जो जिनका पसंद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मैं बहुत ज़्यादा सब्जी वगैरह एवरीडे तो नहीं बनाती, पर जिस दिन बनाती हूँ एक या दो डिश के साथ मेरा लंच हो जाता है। पर हमेशा कोशिश करती हूँ कि राइस से ज़्यादा पोर्शन मैं सब्जी रखूँ, जैसे कि एक बोल दाल ले लूँ, या अगर ग्रेवी कम पर फिश 2 पीस ले लूँ, या तो चिकन का थोड़ा सा पोर्शन ज़्यादा ले लूँ, तो इस तरह से मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, और ऑब्वियसली
सैलड मेरे प्लेट में बहुत ज्यादा होता है जो कि मुझे बहुत फेवरेट है। तो ये सब में अगर आपका पेट फुल हो जाता है तो राइस का जरूरत इतना ज्यादा नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि साइड में जो सारी चीजें लेती हूँ उसका पोर्शन थोड़ा ज्यादा रहे, पर राइस या रोटी अगर मैं खाती हूँ तो उसका पोर्शन कम रहे। और इवनिंग स्नैक्स हम इतना ज्यादा नहीं लेते, तो इसलिए लंच जो करती हूँ उससे ही हो जाता है और एकदम डिनर हम कर लेते हैं, क्योंकि इवनिंग में बस एक कप चाय और एक बिस्किट कभी कभार, नहीं तो वो भी नहीं, बस एक कप मिल्क टी बस हो जाता है मेरा। और डिनर में मेरा है आज फ्राइड राइस, मैंने आज थोड़ा सा फ्राइड राइस बनाई है, आज मन किया। तो इस तरह से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अच्छा कुछ बनाने की कोशिश करती हूँ, वो भी कम ऑयल के अंदर कोशिश करती हूँ कि वो बन जाए, और उसके साथ रायता एंड ढेर सारा सैलड, क्योंकि सैलड वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिफ्रेशिंग होता है, डिटॉक्सिफाई करते हैं हमारे बॉडी को। और सैलड अगर ज्यादा हो तो राइस कम हो तो भी चलेगा, क्योंकि फ्राइड राइस बिरयानी इस तरह की चीजें अगर आप खाते हो तो ऑटोमेटिकली ये थोड़ा सा ज्यादा खाना हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो थोड़ा, पेट अगर हैवी हो जाता है तो आप नहीं खा पाओगे, तो ये सब चीज थोड़ा सा ज्यादा खा लूं ताकि राइस का पोर्शन थोड़ा सा कम खाए तो भी चले। और उसके बाद मैं खाना इस तरह से खाती हूँ ताकि खाना खाने के आधे घंटे के बाद मैं एक ग्लास, फुल एक ग्लास पानी आराम से पी पाऊँ, उतना जगह मैं अपने पेट में रखती हूँ। तो ये बस एक्चुअली कुछ मेजर है जो मैं मेंटेन करती हूँ, बस उसके बाद मैं कोई भी खाना खा लेती हूँ। मेरा इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये नहीं खा सकती वो नहीं खाऊंगी तो मेरा वेट गेन हो जाएगा। मैं सारे चीजें ही खाती हूँ पर थोड़ा थोड़ा पोर्शन में खाती हूँ। तो बस मैं आज इतने दिनों से मेरा जो वेट है वो सेम है, मैं ना ही वेट गेन कर रही हूँ और ना ही किसी भी तरह से मेरा कोई प्रॉब्लम हो रहा है। इवन मैं अगर एक दो दिन अगर वॉक स्किप भी करूँ, जैसे कि सरस्वती पूजा गया तो उस टाइम में मैं एवरीडे वॉक नहीं कर पा रही क्योंकि बहुत लेट नाइट मैं लौटी थी, तो उस टाइम में भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि मैं अपने खाने पीने के जो चीजें है उसे मेंटेन करती हूँ। और सोने से पहले मैं एक कप ग्रीन टी बहुत दिनों से ले रही हूँ, क्योंकि ग्रीन टी एक ऐसी चीज है कि आप रात में जो भी खाते हो ना उसे डाइजेशन करने में बहुत हेल्प करता है और स्पेशली मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। ग्रीन टी पहले तो मैं पी नहीं पाती थी पर अभी मैं आराम से पी लेती हूँ, जबकि मुझे ये लगा कि इसे टी के हिसाब से क्यों, इसे मेडिसिन के हिसाब से पी लेते हैं, तो अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैं बहुत सारे फ्लेवर के ले लेती हूँ जब जो मन करता है, जो मतलब ऐसे चेंज कर करके ले लेती हूँ, पर हर एक फ्लेवर का ही सेम रिजल्ट मिलता है। तो गाइज ये रहा मेरा आज का वीडियो, और फुल डे मील प्लानिंग बस मेरा यही होता है और बस इसके साथ ही मैं अपने आप को मेंटेन करके रखी है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट आया था कि आप खाते पीते हो सारे चीज़ें, मैंने देखा, हमने देखा है आपके ब्लॉग में, फिर भी आप किस तरह से अपना वेट ठीक ठाक रखते हो। तो हम तो जब खाते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और बहुत ज़्यादा हम वेट गेन कर लेते हैं, पर कैसे आप ठीक ठाक हो। तो खाना एक्सरसाइज से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और एक्सरसाइज इस दिन में हर किसी को एटलीस्ट आधा घंटे हो तब भी करना चाहिए, मैं तो डेढ़ दो घंटे कर लेती हूँ। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।